हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे रेडमी फ़ोन में कैसे इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन से देख सकते हैं शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही सेटिंग से आ जाइए। तो कैसे इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है, फिर आपको मैनेज ऐप्स पे जाना है, जहाँ से इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको सर्च करना है फ़ोन, तो फ़ोन आइकन से आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस पे जाना है, स्टोरेज डाटा आपको डिलीट कर देना है, क्लियर कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको बैक करना है, परमिशंस पे जाना है, नोटिफिकेशन परमिशंस अलाउ करना है, और ऐप परमिशंस पे जाकर जो आपका फ़ोन परमिशंस है इसको भी अलाउ कर देना है, और माइक्रोफोन परमिशंस भी अलाउ कर देना, नोटिफिकेशन परमिशंस भी ऑन कर देना है, जिससे आपके इनकमिंग कॉल्स है स्क्रीन पे शो करेगी और डिस्प्ले पे भी शो करेगी। तो इस तरीके से इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, वीडियो शेयर करें।